नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये आरआईआर का मेल चेक्स है। अगर आज डे की बात करी जाए तो आरआईआर के चेक्स को आज 12वां दिन हो चुका है। अगर इसके मोर्टिलिटी रेशो की बात करी जाए तो 12वें दिन इसमें 6-7 बच्चे करीब इसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है। वर्तमान समय में क्या है, टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री का है, और जो रात्रिकालीन का टेम्परेचर रहता है वह 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मतलब जो दिन का टेम्परेचर रहता है और जो रात का टेम्परेचर, उसमें आधा अंतर आ जाता है। इस अंतर के कारण क्या है, बच्चों में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसमें क्या रहता है कि मौसम बदलने के कारण सर्वथा CRD, खुराइजा और आँखों में इनका सूजन आना, ऐसी बहुत सी बीमारी आ जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम आप टेम्परेचर का मैनेजमेंट करें। रात्रि के समय जो है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, और दिन के समय चाहें तो जैसे तेज धूप निकल आती है दिन में तो आप बल्ब बंद कर सकते हैं, और रात्रि के समय हमेशा टेम्परेचर कर दें। मतलब जो दिन का टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री और रात का जो 10 डिग्री रहता है, उसको टेम्परेचर को अपन को मैनेजमेंट करना है कि रात्रि और दिन के समय एक सा टेम्परेचर बनाए। क्योंकि मौसम जब भी परिवर्तन होता है ठंडा गर्म, उस समय बच्चे में सर्वाधिक बीमारी आती है। 12वें दिन के मैनेजमेंट के रूप में आप देख सकते हैं कि बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त है और काफ़ी हेल्थी है। 3 ड्रिंकर के बर्तन लगाए हुए हैं और 2 फीडर के बर्तन लगाए हुए हैं और 1 इसमें लगाए हुए हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ ले रहे हैं, और इनकी जो खुराक है वह भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें खाना भरा हुआ है और ये बर्तन में भी खाना भरा हुआ है। मतलब शाम तक यह खाना ख़त्म हो जाएगा। इनको रात में फिर से खाना, जो फीड है प्री स्टार्टर फीड दे रहा हूँ, यह डालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो फीड खाने की क्षमता रहती है वह भी बढ़ती जाती है। क्योंकि जितनी तेज़ी से ये फीड खाएंगे उतनी तेज़ी से यह ग्रोथ लेंगे। अगर 12वें दिन के मैनेजमेंट के रूप में देखें तो जो ड्रिंकर के बर्तन थे मैंने साफ़ सुथरे करके अच्छे से पानी भर दिया, और अच्छा साफ सुथरा और कुनकुना पानी भरा है। साफ सुथरा और थोड़ा सा कुनकुना पानी भरने का तात्पर्य यह है क्योंकि साफ सुथरा पानी भरने से जो रहता है बैक्टीरिया, जो पानी में जो बैक्टीरिया रहता है बर्तन में, जो बैक्टीरिया रहता है वह नष्ट हो जाता है, और किसी प्रकार के जो संक्रमण रहता है उनको नहीं लगता है। इसीलिए साफ सुथरा बर्तन करें और साफ सुथरा पानी भरें और थोड़ा सा कुनकुना भरें, क्योंकि पानी थोड़ा सा कुनकुना भरने से यह रहता है बच्चों को, जैसे कि अपन गर्म चाय पीते हैं तो अपन को अच्छा लगता है, वैसे ही इनको कुनकुना पानी दे दें सुबह सुबह तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और शाम को भी आप चाहें तो शाम को बर्तन धो के फिर से शाम को पानी भर सकते हैं। नीचे इसमें आप देख सकते हैं कि बरूदा बचा हुआ था, बरूदा को इस फावड़े की मदद से मैंने चला दिया है। चलाने का तात्पर्य यह रहता है, जो अपन क्या करते हैं नीचे से ऊपर कर देते हैं, कहने का तात्पर्य आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं, आप इस प्रकार से चला सकते हैं। इस प्रकार का चलाने का तात्पर्य यह रहता है, जैसे कि बच्चा यदि ऊपर बीट किया हुआ है तो वह बीट नीचे चले जाती है और इसमें जो रहती है स्मेल यह दब जाती है। इस प्रकार से आप चला के जो स्मेल रहती है उसको दबा सकते हैं। बरूदा इतना कारगर अच्छा रहता है, यह स्मेल को दबा देता है। आप देख सकते हैं कि जो बीट डली हुई है अपन फावड़े से जो ऊपर और नीचे कर देते हैं, इसको खूरना भी कहते हैं, या इसके लिए जैसे बड़े स्तर पर जो पाले रहते हैं 2000 बच्चे 3000 बच्चे जो पाले रहते हैं उनके लिए अलग से एक मशीन आती है। वो मशीन के द्वारा जैसे जैसे मशीन चलाते हैं ऊपर का जो बरूदा रहता है नीचे, नीचे का बरूदा ऊपर हो जाता है और जो स्मेल रहती है वह दब जाती है इस प्रकार। लेकिन अपन छोटे स्तर पे, मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ, तो आप छोटे स्तर पे फावड़े की मदद से इसको ऊपर नीचे कर सकता है ताकि बच्चों में किसी प्रकार का जो स्मेल है आए ना। जब इसमें अमोनिया गैस नहीं बनेगी तो इसमें बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। मेरे द्वारा हमेशा आपको अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है ताकि मेरे जो नौजवान किसान भाई हैं जो बेरोजगार हैं जो मुर्गी पालन करना सीख रहे हों उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना जा सके और वह आसानी से मुर्गी पालन कर सके। आप देख सकते हैं कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो बनाता हूं तो आपकी आपको रोज़ रोज़ नई जानकारी प्राप्त हो सके। एक दिन से लेके इसको तो जब तक यह 1 किलो का नहीं हो जाता और बेचने तक इसका आपको RIR मेल चेस्ट का वीडियो बनाऊँगा। जब ये 1 kg का हो जाएगा तो उसको फिर सेल कर देंगे। इसके लिए ग्राहक मेरे पास पहले से ही उपलब्ध हो चुका है कि यह 1 kg का हो और इसके ग्राहक मिल सकते हैं, मिल जाएगा।
आप देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी तेज़ी से फीडिंग कर रहा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो आरकी ब्रीडर्स चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की वीडियो में त्रुटि होती है तो क्षमा याचना करता हूँ उसके लिए, मुझको क्षमा करें। और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं आप उसको चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।